मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इतिहास में यह पहला मामला है कि सिर्फ 2 साल की सजा मिली हो और तुरंत उनकी सदस्यता इस तरह से रद्द कर दी जाए। राकेश त्रिपाठी जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद वारिस पठान जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। 32 इतिहास अलग में कभी नहीं अलग देखा गया, 2 साल की सजा उधर सुनाई गई और इधर तुरंत कहा गया कि अब जाइए, टाटा बाय बाय। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत सीनियर लीडर है, लंबे समय तक पार्लियामेंट में है। लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वर्ष 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो उन्होंने पढ़ा होगा, ये उम्मीद करता हूं भाई। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे तमाम बड़े विक्रम सैनी, इनके विधायक से, खतौनी के विधायक से, उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, 2 साल की सजा हो गई थी, इन्होंने उनकी सदस्यता रद्द नहीं की, नोटिफिकेशन नहीं किया, ये लिए बैठे हैं विधानसभा में। जब विपक्ष ने चिट्ठी लिखी है, मुझे आवाज नहीं आ रही, प्लीज अनुराग भदौरिया जी, राकेश त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए, वारिस पठान भी बहुत देर से इंतजार में है, प्लीज। जिससे सवाल पूछा जाए प्लीज वही जवाब दे, दोनों लोग बोलेंगे समझ में कैसे आएगा, प्लीज ये गलत तरीका है। भारतीय जनता पार्टी अनुराग भदौरिया जी, आपने बहुत लंबा चौड़ा बोल लिया था, आप उनको बोलने दीजिए। वरिष्ठ पठान जी भी बैठे हुए, आप लोग बाकियों का नंबर नहीं आएगा, प्लीज अनुराग, प्लीज अनुराग भदौरिया जी, अब अगर आप बोलेंगे इनका ऑडियो म्यूट कर दिया जाए। राकेश जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए जल्दी से। रद्द नहीं हुई, क्यों उनकी ये फाइल लिए बैठे थे विधानसभा में, जब विपक्ष ने चिट्ठी लिखी तब जाके रद्द हुई, उनको भी 2 साल की सजा मिली थी, क्यों नोटिफिकेशन होना और सजा रद्द होना, इन दोनों में अंतर होता है भाई। आपको बता रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पढ़ लीजिए, आप पढ़ते नहीं है, फिर आप पढ़े पाते हैं, खत्म हो गया, और फिर इस प्रकार की समस्या होती है, फिर आप बोल रहा हूं आज किसी काबिल व्यक्ति की ताकत के निर्णय को समझ लीजिएगा। लिली थॉमस ठीक है, तू मैं नहीं करेंगे, ठीक है, तू मैं नहीं करेंगे। बीजेपी को बार बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां याद दिलाई जा रही हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, कई नेताओं की ओर से इस तरह के बयान सामने आए हैं। राकेश जी आप जवाब दीजिएगा, वारिस पठान जी सीधे आपके पास आते हुए, अनुराग भदौरिया जब आपका नंबर आए प्लीज आप उसी समय बोले। वारिस पठान साहब, सरकार ने सही किया या आपको लग रहा है कि चूंकि मामला राहुल गांधी का है तो सरकार जल्दबाजी में है? नहीं देखिए, राहुल गांधी जी के लिए जो कहना था उनके प्रवक्ता ने कहा है, मैं ऐड करना चाहूंगा कि बीजेपी सरकार की ये दादागिरी पूरा देश देख रहा है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, तो वॉइस ऑफ डिसेंट को ही खत्म करना देना चाहते हैं ये लोग, तो संविधान का कत्ल कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को नहीं मानते, कुछ नहीं करना चाहते, संसद को ही नहीं चलने दे रहे, जबकि जवाबदारी जिम्मेदारी तो जो सत्ता पक्ष में बैठा है उनकी है कि भाई संसद को चलने दिया जाए, यहाँ पर लोगों ने चुन चुन के भेजा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जाइए यहाँ पे इतने सारे मसले मसाइल का हल करना है, पर वहां पे जाके देखते तो सदन को बर्खास्त किया जाता है, तो टैक्स पेयर का चेक पैसा इसी तरह खत्म किया जा रहा है, और कितनी जल्दबाजी, देखिए आपको जो करना प्रतिक्रिया से करें, लेकिन इतनी जल्दबाजी तो हमने तो कभी नहीं देखी। क्या लोकतंत्र है ये? क्या डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं किया जा रहा है? आप नहीं दबा सकते विपक्ष की आवाज को किसी भी कीमत के ऊपर, डेमोक्रेसी की ब्यूटी है एग्री डिसएग्री, आप डिबेट करिए, डिबेट में बोलने का मौका दीजिए, सबको अधिकार है पूछने का, सबको अधिकार है पूछने का अडानी के बारे में, लेकिन आप तो सवाल जवाब देने भाग रहे हो। दूसरी बात चित्रा जी, अब कानून कायदे की बात की थी तो मुझे कहा गया था कि कानून पर बोलना है, उत्तर प्रदेश के ऊपर जो हो रहा है मैं उस पर बात रखूंगा अपनी, कि 8 दिन भर आपने चलाया आतिक अहमद को, किस तरह से जा रहे नेचर कॉल करने खड़े हो गए तो वो आप दिखा रहे हो उसको, क्या ये कायदे कानून में कहीं पर है कि गाड़ी पलट दी जाएगी, अब पलटेगी, अब गोली मार दिया जाएगा, ये योगी की किस तरह की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी को आप लोग चमका रहे हो उतना, अरे देश कायदे कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, ये योगी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी चलेगा? उत्तर प्रदेश में बताइए मुझे कायदा कानून कहां है? मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2 दिन पहले मुरादाबाद के अंदर एक मुसलमान अपने घर में नमाज पढ़ रहा था तरावी की, अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को बुलाकर, बजरंग दल के एक्टिविस्ट वहां पर जाते हैं, रुकाते तरावी नहीं पढ़ देते, पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आज उनको 5 लाख रुपए का वो फेंक देती है, उनके ऊपर नोटिस मार देती है, कौन से कानून के तहत, तुमने जुर्म किया? क्या खुद के घर में नमाज पढ़ना, वारिस पठान अगर खुद के घर में नमाज पढ़े आज तो क्या ये भी कानून के अगेंस्ट हो गया? ये भी अलाउड नहीं है हमको क्या, हमारे देश के अंदर रहकर? कौन से कानून के तहत आपने उनको नोटिस दे दिया 5 लाख रुपए का, आपने उनको नोटिस फेंक दिया, तो कानून कायदा तो है नहीं। बात नंबर 3, ये क्या बात करेंगे इंसानियत की? एक आरिफ नाम का लड़का, एक सारस को इंजर्ड था, जख्मी हालत में उसको लाया,
पाला, उसको ठीक किया, 13 महीने उसके साथ रहा। आज वन विभाग आता है उसको सारस को लेकर चले जाता है। आज राकेश त्रिपाठी जी उनकी बातों का जवाब दीजिए। राकेश त्रिपाठी जी वन विभाग में विपक्ष की ओर से अगर ये तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? कुछ मामलों में सरकार की अति सक्रियता दिखेगी। इधर फैसला आया चटमंगी पट ब्याह वाला जो होता है कि इधर फैसला आया उधर तुरंत कहा गया कि अब चलिए जाइए। विपक्षी नेताओं पर चुन चुनकर जिस तरह से ईडी और सीबीआई जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। राकेश त्रिपाठी जी और वारिस पठान जी की भी बातों पर जवाब दीजिए। देखिए चित्रा जी, सच्चाई ये है कि वारिस पठान हो, आलोक शर्मा हो या अनुराग भदौरिया हो, लंबे समय तक इन्होंने इसी प्रकार का एक पॉलिटिकल कल्चर देखा है देश में, जहां पर फाइलों को लटकाया जाता है, भटकाया जाता है, अटकाया जाता है, सुस्त तरीके से पूरी व्यवस्था को कुंद कर देने का प्रयास किया जाता रहा है। लेकिन आज एक ऐसी सरकार है जो तेज गति से फैसले लेती है, ये सरकार आज एक्सप्रेसवे बनाती है, ये सरकार आज बुलेट ट्रेन दौड़ाती है, और इसीलिए आज सरकार संवैधानिक तरीके से फैसले ले रही है और इस तेजी से डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है, विपक्ष की आवाज खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब पूछिए क्या आवाज समिति ने आज जो भारत के सेक्युलरिज्म को खत्म करने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, ऐसा थोड़ी चलने वाला है। आप विपक्ष को बोलने का मौका दोगे? डिबेट के लिए पार्लियामेंट बनाया, डिबेट भी नहीं हो रही है, पार्लियामेंट के सदन को स्थगित कर देंगे, किसका पैसा खर्चा हो रहा है? करोड़ों रुपए टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, रोज जाया जा रहा है, किसकी जिम्मेदारी थी सदन को चलाने का? भाजपा की सरकार रखा करते थे, आज सरकार पूरा ध्यान भटका दिया लोगों का। अब जवाब नहीं देना चाहते अडानी के ऊपर, आप बस घर खाली करो, आप जेल में डाल दो सबकी, आप सुपर कर दो सबको जेल में डाल दो, एक साथ ये बात आपको स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसीलिए जानबूझ करके हायतौबा मचा रहे। और वारिस पठान ने जो आरोप लगाए हैं पूरी तरह से बेबुनियाद, बेसलेस, तथ्यविहीन है, पूरी तरह से मनगढ़ंत। क्या बेबुनियाद बताइए ना, मैं असंवैधानिक बात कर रहा हूँ क्या? बताइए मुझे, डेमोक्रेसी का कौन बात कर रहे? अरे डेमोक्रेसी में अगर किसी की बात से सहमति नहीं है आप उसको जवाब दीजिए ना। आप तो सदन में चलने दे रहे हो, आप तो सदन का जो टैक्स पेयर का मेहमान आप दंगे से पीड़ित नहीं है, अरे लोग एफपीओ में जाकर बैठे हुए हो, सदन को आप स्थगित कर देते हो, क्यों ऐसा करने के? और भारी पठान के दाल नहीं करते लोगों पर जाकर, आपको इतना ही था कि अरे आपको 100% को बंद नहीं कर सकते, अपोजिशन की आवाज को आप डरा धंधा लेकिन जो फैसला होगा करेंगे वो पर, लेकिन इस तरह से आप ईडी कभी दबा देना, कभी सीबीआई को लगा देते हो, बस विपक्ष की आवाज को दबाना आपका काम बन गया है, संसद नहीं चलने देने का। और फिर अगर सवाल करे वो एंटी नेशनल हो जाता है, अगर सरकार से सवाल करो एंटी नेशनल हो जाते हैं। कहाँ लिखा है भाई ये संविधान में? बताइए, मुझे अधिकार है कि अगर मैं बीजेपी की किसी भी सीट से अगर मैं कुछ नहीं हूँ बीजेपी को सवाल करूंगा, क्या मेरे सवाल करने से मुझे एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा? क्या सीबीआई की ग्रेड लगा देगा? किस दिशा में आप देश को लेकर जाना चाहते हैं? ऐसा नहीं चलता, डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, सुनिए, डेमोक्रेसी में रहते हैं, संविधान को पालन करना आपका हमारा सबका दायित्व बनता है, सबकी जवाबदारी, सबकी जिम्मेदारी बनती है, आप इससे भाग नहीं सकते। आपको सवाल करने का अधिकार चलाओ, आपको जो चलाने का चलाएंगे, जो मर्जी आएगा करेंगे, नहीं होता ऐसा साहब।